दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इविंग्स अकेडमी धर्मशाला। कोरोना वायरस के अलर्ट के चलते देहरा और ढलियारा की मार्केट पूरी तरह से सूनी नजर आई। सड़कों पर एक भी राहगीर नजर नहीं आ रहा है। खास बात तो ये है कि इसका असर चाइनीज फूड खासकर चाउमीन व मोमो और सब्जी विक्रेताओं की दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है। दिव्य हिमाचल ने शुक्रवार को जब देहरा और ढलियारा बाजार में सब्जी विक्रेताओं तथा फूड कॉर्नर मालिक से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के अलर्ट के चलते उनकी सेल में काफी फर्क पड़ा है। बता दें कि डीसी कांगड़ा की एडवाइजरी से स्कूल और कॉलेज बंद है, साथ ही लोग भी कम घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। बहरहाल चाइनीज फूड कॉर्नर मालिक सिर पर हाथ देने पर मजबूर हैं। मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सूनी पड़ी है। जो डीसी ने ऑर्डर जारी किया है उसके रिलेटेड बंदे ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। यहाँ पे तो गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है और सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं अपने खुद के। ज़्यादा यहाँ पे है कि रूल फॉलो कर रहे हैं जो सर ने फॉलो करने के लिए बोला है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे पूरे ढलियारा में जो आर्थिक मंदी का बहुत ज़्यादा असर है। यहाँ पे बाज़ारों में कोई भी देखने को आदमी नहीं निकल रहा है। इसमें ख़ास तौर पर सब्जी में बंद गोभी में जो इसका चौमन वगैरह बनाते हैं उनके धंधे बिल्कुल चौपट है, ये बिल्कुल नहीं लग रही है। और बाज़ारों में तो बिल्कुल रौनक नहीं है। व्यापारी वर्ग भी जो है इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत परेशान है। जो भी सरकार ने इसकी गाइडलाइन की है वो भी दुकानदार भी व्यापारी वर्ग भी जो भी लोगों को सुझाव दे रहे हैं जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें और लोग अपने घरों में स्वस्थ बनाए रखें और जैसे भी सरकार दे देती है उसके अमल किया जाए। मार्केट है ढलियारा की मार्केट में फूड कॉर्नर जो आपका, इसमें कितना फ़र्क पड़ा है आपके व्यापार में? सर जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है वो तो मार्केट की वजह से कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह बंद होने की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा और हमारे जैसे काम में सेल्स में काफ़ी यानी कि कम हुआ है काम की वजह से यानी कोरोना वायरस की वजह से। बाकी मोमोज चाउमीन जो भी हैं कस्टमर आ नहीं रहे क्योंकि मार्केट में निकल नहीं रहे। गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ स्कूल और कॉलेज ऑफिस सारे बंद कर दिए हैं, उसकी वजह से फ़र्क तो पड़ा है। पर जो उन्होंने रूल कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग दिए इशू किया वो भी सही है। जो सेहत खाने से अच्छा है यानी सेहत भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है। हम तो यही चाहेंगे कि हाँ भी जो सरकार ने बोला है उनके ऊपर अमल किया जाए। बाकी जो भी सरकार ने कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग रूल जारी किए हैं मैं तो यही कहूँगा उन पर अमल किया जाए। सुरेश कुमार व्यापार मंडल डेरा। कोरोना वायरस की और कांगड़ा ने डीसी कांगड़ा जो कोरोना वायरस के बारे में जो एडवाइजरी की है उसको पालन किया जाए। देहरा व्यापार में बहुत फर्क पड़ा है, व्यापार में भी बहुत फर्क पड़ा है और गिने चुने लोग ही बाजार में आ रहे हैं। हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल जाना चाहता वही आ रहा है, बाकी तो बुरा हाल है। इसका बहुत फर्क पड़ा है, स्वास्थ्य को ध्यान में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए देहरा से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, myself to be Dr. Shivangi Rangra and very soon I'll be a bachelor in dental surgery and for my this success I want to owe a huge thanks to the Earrings Academy located at Chamunda, Dharamshala in Palampur and its chairman Mr. Gulshan Verma who is an icon of integrity and hard work as well as a great philanthropist. He and his team guided me to the right path and place I never thought I would be. Thank you, sir, for sticking up to me and letting me and showing me how to stick up to myself. And Earrings is a place which not only educate you, but also groom your personality. Earrings is a place which really gives you wings to fly fearlessly to your goal. Thank you.